नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको फोटोशॉप के अंदर सिल्वर टेक्स्ट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, देखिए गौतम लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये सिल्वर टेक्स्ट इसमें मैंने इफ़ेक्ट दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए हिंदी में नाम लिखा हुआ है। सेम एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए देख सकते हैं सिल्वर टेक्स्ट इफ़ेक्ट इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊँगा फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फोटोशॉप 7 के अंदर इस तरह का सिल्वर इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास फोटोशॉप 7 है या लेटेस्ट वर्जन है, किसी में भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। तो फिलहाल इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लें। करने के बाद यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं। अब जितने जिस नाम से आप अपना कैनवास डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अनटाइटल 1 ही रखा है। यहाँ पे प्रीसेट साइज है, जिस साइज़ का आपको बनाना है, जिस साइज़ के बैकग्राउंड में आपको क्रिएट करना है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1280x720 का साइज ले रखा है। यहाँ पिक्सल में हाइट देख सकते हैं, यहाँ पे रिजोल्यूशंस मैं कर देता हूँ 300, ये मैंने 300 कर दिया। और यहाँ पे मोड जो है RGB रखा है, कंटेंट वाइट रखा है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पेज आ चुका है। अब इस पेज के अंदर हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड लेंगे, दूसरा कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो है ज़्यादा खिलता है उसमें, सिल्वर कलर वाइट कलर। तो बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ्रंट कलर है, यहाँ पे देखिए नीचे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहता है ब्लैक एंड वाइट या वाइट और ब्लैक। यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ब्लैक यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ जो पेंट बकेट है इस पर क्लिक कीजिए और पेज पर क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हैं पूरा का पूरा एक ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। अब रहा सवाल टेक्स्ट लिखने का, जिसे हम लोग सिल्वर टेक्स्ट इफेक्ट देंगे या सिल्वर टेक्स्ट बनाएंगे। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टाइप टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ फोरग्राउंड है ब्लैक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऊपर उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से भी आप वाइट कलर चूज़ कर सकते हैं, वाइट लिखना है क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ से भी आप वाइट कलर चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर भी अगर आप वाइट चेंज कर देंगे तो यहाँ पर जो भी यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी ऊपर टेक्स्ट का जो प्रॉपर्टी बार है वो वाइट दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब जो लिखेंगे हम लोग वो वाइट ही आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ भी वाइट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए वाइट है। लिखने के लिए अब यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से एक फॉन्ट ले लेते हैं जो बहुत थिक है, थोड़ा मोटा फॉन्ट लेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग चले जाते हैं एरियल में, चले गए एरियल में। जाने के बाद यहाँ से रेगुलर के बजाय हम लोग ब्लैक कर देते हैं, बहुत थिक मोटा दिखेगा। और यहाँ पे साइज ले लेते हैं, सपोज़ 60 ले लेते हैं, 60 बहुत बड़ा हो जाएगा तो और छोटा कर देते हैं, 48 कर दिया। करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, कैपिटल कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो कैपिटल में आएगा। अब मैं लिखता हूँ, देखिए GAUTAM गौतम लिख दिया। लिखने के बाद अब ये जो टूल है मूव टूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको थोड़ा स्केलिंग कर देते हैं। तो स्केलिंग करने के लिए Ctrl+T प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ एडिट में जाके यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिएगा मूव टूल पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका जो प्रॉपर्टी बार है यहाँ शो करेगा। इसको ऑन रखिएगा तो हमेशा शुरुआत से ही आपको इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा, जितना आपको बड़ा चाहिए, जितना स्केलिंग करना है टेक्स्ट को आप कर सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब देख सकते हो वाइट कलर का यहाँ पे टेक्स्ट मेरा आपको दिख रहा है। अब रहा सवाल इसमें हम लोग सिल्वर इफेक्ट कैसे देंगे, इसे सिल्वर टेक्स्ट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, टेक्स्ट तो लिख लिया हम लोगों ने, अब लेयर का पैलेट में हम लोग चले जाते हैं। लेयर का पैलेट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे वो टेक्स्ट है सिलेक्टेड है। अब इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, अब नीचे देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखाई देगा जिसका नाम है ऐड लेयर स्टाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक लिस्ट उभर कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बेबल एंड इम्बोज, इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इस तरह का लेयर का स्टाइल का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टाइल में आपको चूज करना है, इनर बेबल चूज कर लीजिए, स्मूथ टेक्निक में स्मूथ रखिएगा, डेप्थ को 100% रखिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन आप रखना है, साइज जो है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 25, 26 ऐसे रखिए, 30 तक रखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 24 रखा हुआ है, देख सकते हैं साइज। और सॉफ्टवेयर को 0 पिक्सल रखा है। यहाँ शेडिंग इसको इम्पॉर्टेंट है, इस पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एंगल 120 रखा है। यूज़ ग्लोबल लाइट, अगर इसको ऑन कर दीजिएगा तो दूसरा जो भी टेक्स्ट रहेगा उसमें भी सेम वो एंगल जो घूम जाएगा, तो इसको ऑन ही रहने दीजिए। एक ही टेक्स्ट लिखना है तो इसको ऑन ही रखा है मैंने। एल्टीट्यूड 30 रखा है। यहाँ देखिए ग्लॉस काउंटर, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए तो इस तरह का ग्लॉस काउंटर का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ से रिंग, जो रिंग लिखा हुआ है यहाँ से, दूसरे वाला जो पहला वाला रो है, दूसरे वाला जो रो है यहाँ से देखिएगा, ये 2 नंबर रिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे नज़र आएगा टेक्स्ट के ऊपर। रिंग कर दिया, फिर बाहर क्लिक कीजिए, ये हो गया। हो जाने के बाद हाईलाइट मोड है, स्क्रीन यहाँ स्क्रीन रहने दीजिए और इसको वाइट रखिए। ओपेसिटी यहाँ 75% है। शैडो मोड है, मल्टीप्लाई है, ब्लैक है, ओपेसिटी 75 है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको याद रखना होगा। ये सिंपल है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, जब आप इस पर बेवल इम्बोज दे चुके होंगे तो नीचे देखिएगा और ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है लेयर स्टाइल के अंदर। यहाँ काउंटर वाला ये जो नीचे वाला जो बटन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कीजिए, जो नीचे वाला जो वाइट कलर का एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे इसको क्लिक कर दीजिए, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने के बाद यहाँ नहीं क्लिक करके जिस जगह काउंटर लिखा हुआ है ये जो ब्लू रंग का ये आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक कीजिएगा तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा देखिएगा यहाँ पे चेंज आपको नज़र आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह काउंटर एलिमेंट का इस तरह का एक ऑप्शन खुल जाएगा। इस पर क्लिक यहाँ पे इस पर क्लिक नहीं करके इस यहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो काउंटर है यहाँ पे इसके बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब ऊपर ये स्टाइल दिया हुआ, नीचे भी स्टाइल दिया है, तो यहाँ से ये वाला रोलिंग वाला देख लीजिए, यहाँ लिखा है रोलिंग स्लोप डिसेंडिंग, इसको आपको चूज़ करना है। ये मैंने चूज़ कर दिया, जैसे इस पर क्लिक किया देखिए इसमें और सिल्वर इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद और भी ऑप्शन है लेकिन देख सकते हैं इस तरह आपको सिल्वर दिखाई देगा, तो ये वाला ज़्यादा ऑप्शन है, आप देख के करके देख सकते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो बेस्ट यही है, ये वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए, ये वाला सिल्वर यहाँ वाला रोलिंग वाला, ये वाला ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे रोलिंग स्लोप जो लिखा है, मतलब नीचे वाला से राइट हैंड साइड से 3 नंबर रोलिंग स्लोप डिसेंडिंग लिखा है, इस पर चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेंज है, ये रेंज को आपको बढ़ाना है। ये देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए इसको 85 देखिए, तो इस तरह का सिल्वर देखिए और ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा खिल के आ रहा है, देख सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 100%, तो देखिए पूरा अच्छी तरह से ये देखिए सिल्वर इफेक्ट इसमें आ चुका है। तो ये लेयर स्टाइल हो चुका, अब इसको ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मैंने ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा टेक्स्ट सिल्वर देखिए बन चुका है। तो ये सिंपल है फोटोशॉप के अंदर, फोटोशॉप 7.0 के अंदर इजीली आप कर सकते हैं, किसी भी फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में कर सकते हैं। सिल्वर इफेक्ट इस तरह आप टेक्स्ट में दे सकते हैं, बना सकते हैं सिल्वर टेक्स्ट। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो कमेंट अवश्य करें, मैं उम्मीद कोशिश करूँगा कि मैं आपका हेल्प कर सकूँ और मैं और अच्छी तरह से आपको बता सकूँ। और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।